गुरु हमें अपने आप से हमारा परिचय कराते हैं, हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। गुरु हमें उससे अवगत करवाते हैं, वो बताते हैं कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। जैसे कि एक बार एक सिंह परिवार का, एक शेर परिवार का एक शावक जो है वो अपने ग्रुप से बिछड़कर कुछ भेड़ों के ग्रुप में जाकर मिल गया और बचपन से वहीं रहने लगा। अब जब वो बड़ा हुआ तो वो भेड़ों की भांति ही व्यवहार करने लगा और भेड़ों की भांति मिमियाने की कोशिश करने लगा। एक बार एक सिंह एक शेर ने जब अपनी ही जाति के एक शावक को भेड़ों के बीच में भेड़ों की तरह मिमियाते हुए देखा तो उसे रहा नहीं गया। उसने उसको जाकर झिझोड़ा और कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मिमिया क्यों रहे हो, तुम तो शेर हो, तुम तो सिंह हो। वो घबरा गया, उसने बोला शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है। तो वो शेर उसे खींच कर एक नहर के पास ले गया और वहाँ पर उसने उसको अपनी छाया दिखाई जल में और तब उसे समझाया और तब उसने भी समझा कि वाकई वो तो शेर है। तो यही काम गुरु भी हमारे साथ करते हैं। गुरु हमारे हमको हमसे ही जो है हमारा परिचय दिलवाते हैं कि हम वास्तविक